नमस्कार दोस्तों, टॉलीवुड खबरी चैनल पर आपका स्वागत है। प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार ने कई हिट फिल्मों में साथ में काम किया है। इन दोनों ने ऐतराज और मुझसे शादी करोगी जैसी हिट फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन वक्त मूवी के बाद दोनों स्टार्स ने फिर कभी भी साथ में स्क्रीन शेयर नहीं की। इस जोड़ी को फिर से साथ देखने का इंतजार कर रहे इनके फैंस के लिए अब एक बड़ी खुशखबरी है। अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा का एक गाना आज यूट्यूब पर रिलीज हुआ है। इस गाने की खासियत यह है कि 2005 में शूट हुआ यह गाना 17 साल बाद रिलीज किया गया है। गाने का नाम है वो पहली बरसात। प्रियंका और अक्षय ने फिल्म बरसात के लिए यह गाना शूट किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि बरसात मूवी में तो अक्षय कुमार नहीं बल्कि बॉबी देओल थे, फिर अक्षय और प्रियंका का गाना क्यों शूट किया गया था। मैं आपको बता दूं कि अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा को ही बरसात फिल्म में सबसे पहले कास्ट किया गया था। दोनों ने फिल्म की काफी सारी शूटिंग भी कर ली थी, मगर इसके बाद अक्षय की निजी जिंदगी में समस्याएं आ गई। रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जाता है कि उन दिनों अक्षय और प्रियंका की करीबी को लेकर कई तरह की अफवाहें आने लगी थी। इसलिए अक्षय की पत्नी ट्विंकल खन्ना ने अक्षय से कहा कि वो इस फिल्म में आगे काम ना करें। ट्विंकल खन्ना की जिद पर ही अक्षय ने ये फिल्म छोड़ दी। अक्षय की फिल्म छोड़ने के बाद डायरेक्टर सुनील दर्शन ने प्रियंका के साथ बॉबी देओल को लीड रोल में लेकर ये फिल्म बनाई थी। हालांकि अक्षय कुमार की फिल्म छोड़ने से पहले इस गाने की शूटिंग हो चुकी थी। बाद में बॉबी देओल और प्रियंका चोपड़ा पर यह गाना दोबारा फिल्माया गया था और रिलीज होने के बाद यह गाना तब खूब पॉपुलर हुआ था। गाने का नाम था बरसात के दिन आए। अब फिल्म के मेकर्स ने जो गाना अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा के साथ शूट किया था तब, अब उसको YouTube पर रिलीज किया है। गाने के ये दोनों वीडियो देखने पर आपको पता चलेगा कि दोनों बार गाना बिल्कुल सेम लोकेशन और सेटिंग में ही शूट हुआ है। हालांकि जिस वीडियो में अक्षय है उसमें प्रियंका ऑफ व्हाइट कलर की स्लीवलेस शॉर्ट कुर्ती और चूड़ीदार पहने हुई है, जबकि बॉबी देओल के साथ वाली वीडियो में प्रियंका का आउटफिट नियॉन ग्रीन है। कुल मिलाकर बरसात का पुराना वर्जन लाकर फिल्म के मेकर्स ने अक्षय और प्रियंका के फैंस को बड़ा तोहफा दिया है। आपको दोनों में से कौन सा गाना सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।